हूँ कब्बन पार्क के पास। काफी टाइम लग गया हम लोग को, प्लान था कि 9 बजे 10 बजे यहाँ आ जाएंगे और अभी 12 बज रहे हैं। बारिश का टाइम है और प्लस ट्रैफिक। प्लेस में जा रहे हैं उसकी काफी अच्छी हिस्ट्री है एंड वो 1870 में वो प्लेस बना था। तो मेरे लेफ्ट में कब्बन पार्क दिख रहा होगा आपको डैश कैम से। आगे जाके लेफ्ट लेके अंदर एंट्री करनी है पार्किंग में, देखते हैं पार्किंग में जगह मिलती है कि नहीं। भैया पार्किंग किधर है? पार्किंग नहीं मिल रही है, अभी पार्किंग ढूंढ रहे हैं तब से इस रोड पे आके, एंड आगे देखते हैं किसी से पूछते हैं पार्किंग किधर है भाई पार्किंग। तो हम लोग आए कब्बन पार्क में, एंड कब्बन पार्क में बहुत सी चीज़ें हैं कब्बन पार्क के चारों ओर। रोड्स हैं, रोड्स पे हाई कोर्ट है, विधानसभा है, प्रेस क्लब है और तमाम बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। तो पार्किंग ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है, समझ में नहीं आता पार्किंग है किधर एग्जैक्टली। इधर प्रेस क्लब दिख रहा था, राइट नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ विधानसभा एंड कब्बन पार्क की एंट्री किधर से होती है, पार्किंग एंट्री किधर से होगी देखना पड़ेगा। की ये कहानी है कि कब्बन पार्क आने में हमें 2 घंटे से ज्यादा लग गए, 10:30 या 10 बजे तक निकल गए थे घर से, 1 घंटे कब्बन पार्क के चारों ओर घूमे। तो ये समझ में आया कि इसमें कोई पार्किंग नहीं है, पेड पार्किंग नहीं है, जो भी पार्किंग आपको है वो फ्री पार्किंग है गवर्नमेंट की तरफ से जो होता है। राइट, रोड के किनारे पी का बोर्ड लगा हुआ है, स्पेसेस हैं आप खड़ी कर सकते हो। तो मैं थोड़ा सा, मुझे सही नहीं लग रहा था तो मैं पेड पार्किंग ढूंढने के चक्कर में इस पूरे पार्क के चारों ओर घूमा एंड फाइनली यही हुआ कि एक सिक्योरिटी गार्ड के पास एक आदमी और बैठा था, उसने कहा कि वो सबकी गाड़ियां देख रहा है, आप 50 रुपीज दे दो और यहां पार्क कर दो। तो पार्क कर दिया। कब्बन पार्क की बात करें तो कब्बन पार्क नाम पड़ा था सर मार्क कब्बन के नाम पे, जो यहाँ के मेयर थे, ब्रिटिशर्स के टाइम में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग मेयर थे और उनका काफी कंट्रीब्यूशन था बैंगलोर एंड मैसूर स्टेट के लिए, बैंगलोर के लिए एंड मैसूर के लिए काफी उन्होंने डेवलपमेंट किया था, तो उनके नाम पे पड़ा था। उसके पहले मेडेंस पार्क था समथिंग, उसके बाद ये नाम पड़ा श्री चमराजेंद्र वडियार के नाम पे। तो श्री चमराजेंद्र पार्क भी कहते हैं इसका, मेन गेट से जब एंट्री करेंगे हाई कोर्ट के बगल में तो लिखा हुआ, एंड उसका नेम 1927 फाइनली ये नेम हुआ, फेमस है कब्बन पार्क के नाम से। सो ये थे सर मार्क कब्बन, इनके नाम पे कब्बन पार्क इसका नेम पड़ा। Thank you.
बैक। तो अभी हम लोग पूरा को कब्बन पार्क पूरा तो नहीं, थोड़ा बहुत घूमे हम लोग। एंड दो दो स्टैच्यू, बैंड स्टैंड एंड हाई कोर्ट, एंड उसके पहले सर मार्क कब्बन का स्टैच्यू, बैंड स्टैंड, हाई कोर्ट, विधानसभा एंड चमर राजेंद्र वडियार की स्टैचू देखी हमने। काफी बड़ा है ये। म्यूजियम, लाइब्रेरी ये सब विजिट नहीं कर पाएंगे। तो अभी यहाँ से फटाफट टाइम हो गया है 4:30 एंड निकलते हैं यहाँ से तुरंत वापस। ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन टाटा बाय।